हम लोग अकाउंट में इसके आगे जो हम लोग बताए थे पिछले दिन पढ़े थे बताए थे बोले थे कि अकाउंट क्या है उसके बारे में आपको कंसेप्ट दिया जा चुका है। इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए कि एक्चुअली वो अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे थोड़ा सा आएंगे, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम, क्या है डबल एंट्री सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम है इज ए सिस्टम अंडर विच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव इफेक्ट ऑन टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट, हेंस एवरी डेबिट्स हैज अ करस्पोंडिंग क्रेडिट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए अकाउंटिंग में जो हम लोग बोले कि डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में, एंट्री सिस्टम के बारे में जानिए। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। एक होता है, उसको अकाउंटिंग वे में कहा गया, अभी हम इस पे समझा रहे हैं क्या होता है कैसे होता है। अकाउंटिंग वे में एक को डेबिट कहा जाता है और दूसरे को क्रेडिट कहा गया है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी अकाउंट्स किया जाता है या कोई भी लेन देन किया जाता है, किसी तरह का ट्रांजेक्शंस होता है, हम बार बार बोले हैं कि अकाउंट में केवल फाइनेंशियल नेचर के फाइनेंशियल एक्टिविटी को ही शामिल किया जाता है, कभी भी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है इसमें शामिल नहीं होता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी जब शामिल होगा अकाउंटिंग में, क्या होगा जब फाइनेंशियल एक्टिविटी शामिल होगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी शामिल करने के संबंध में हम ये बताना चाहेंगे कि हर एक कोई भी काम कोई करेगा, जैसे मान लो कोई गए सामान खरीद कर लाए, तो एक खरीदने वाला होगा एक बेचने वाला होगा। हर एक चीज़ का, किसी को पैसा दिए तो एक पाने वाला है एक देने वाला है, किसी को वेतन दिए तो एक वेतन पाने वाला है एक देने वाला है। तो हर एक काम जो है अकाउंट्स में या कोई भी काम, कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स किसी तरह का लेन देन करेंगे तो वहाँ दो पक्ष होता है। इसको हम लोग ये डिफिनीशंस के बेस पर हम आते हैं, कहते हैं कि क्लियर ये डिफिनीशन करता है कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो है वो क्या है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स दो हैं, एक डेबिट, डेबिट क्या करता है विच डिनोट बाई डी आर, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में डी आर डॉट करके लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डेबिट को ही जब ये छोटा रूप में लिखना है, हर एक जगह डेबिट करके नहीं लिखना है, आपको क्या करना है इस स्पेलिंग को नहीं लिखना है, बल्कि डी आर डॉट कर दिए इसका मतलब हुआ कि ये डेबिट है। उसी तरह दूसरा एक एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग का वो है क्रेडिट। क्रेडिट क्या डिनोट करता है? वो करता है सी आर डॉट, उसको हम लोग सी आर डॉट से अकाउंटिंग में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट करके पढ़ेंगे। इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम्स क्या है और उसमें इसका एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या है इस पर हम लोग डिस्कस किए, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए। अब जानकारी हासिल करने के बाद अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि जब हम डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम किसको डेबिट, कैसे डेबिट, डेबिट क्या होता है और किस चीज़ को हम डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम दो एस्पेक्ट्स क्या बोले, एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है एस्पेक्ट्स दो बताएं, एक बोले डेबिट जिसको हम लोग शॉर्ट में डेबिट ऐसे लिखें और दूसरा बताए क्रेडिट जिसको शॉर्ट में सी आर डॉट ये लिखें। ये चीज़ यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट, जो भी दो पक्ष है एक को डेबिट कहेंगे एक को क्रेडिट कहेंगे। अब हमारे पास ये भी तो आता है कि किसको डेबिट कहेंगे किसको क्रेडिट कहेंगे, डेबिट क्या होता है, डेबिट लिखने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग यहाँ एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के समझने के बाद, अब इसका हम डिफरेंट डिफरेंट रूल है, बहुत सारा रूल है, दो तरीके से है। देखो पहले से ट्रेडिशनल चला आ रहा है और कुछ रूल ऐसा है जो मॉडर्न बनाया गया, अमेरिकन मोड पर बनाया गया, अमेरिकन में उस पर कंसेप्ट दिया गया है। हम लोग दोनों मोड पर डिस्कस करेंगे, पहले हम ट्रेडिशनल मोड बताते हैं
कि आपको किसी चीज़ को डेबिट, किसको डेबिट कीजिएगा और किसको क्रेडिट कीजिएगा, ये पहले समझिए। हम जब पिछले क्लास में बता रहे थे तो आपको बताए थे कि अकाउंट दो प्रकार का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल आर ऑल्सो भी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रियल और नॉमिनल। अब हम लोग जो हैं पर्सनल अकाउंट में क्या लेंगे, तो पर्सनल में आपको बताए थे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स को शामिल किया जाएगा। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है हम लोग का पर्सनल में शामिल होता है। हम ये भी बताए थे कि पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष से होता है, तो व्यक्ति विशेष क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और हम लोग का नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है व्यक्ति विशेष, और इसके साथ साथ हम लोग का क्या हो सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको कहेंगे, क्रेडिट किसको कहेंगे, इसके लिए गोल्डन रूल दिया गया है अकाउंट्स में। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल क्या है अकाउंट्स का, देखो हम दो तरह का, ट्रेडिशनल रूल भी है और इसके साथ साथ हम लोग का मॉडर्न रूल भी। हम अभी गोल्डन रूल पर डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्डन रूल जिसको ट्रेडिशनल रूल के नाम से जाना जाता है, जो शुरू से चला आ रहा है। तो ट्रेडिशनल रूल में जैसे कोई पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या करना है, डेबिट इज द रिसीवर बोलता है पर्सनल अकाउंट। हम जैसे तुम लोग को बता चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट में कितना शामिल किया जाता है, पर्सनल अकाउंट कोई भी नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन आर रिलेटेड विद द पर्सनल अकाउंट एज राम श्याम मोहन, राम श्याम ETC, बैंक, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, ETC, देयर आफ्टर कंपनी, फर्म ETC, लोकल अथॉरिटी, एज कंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ETC। तो ये सब जो है कोई भी अगर नाम आ जाता है, आपको कोई भी नाम हो, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट इज द रिसीवर। अगर कोई व्यक्ति को कुछ पैसा मिल गया तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को, क्रेडिट इज द गिवर, जो व्यक्ति दे रहा है, किसी भी अगर व्यक्ति से संबंधित है तो हमको ये देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, अगर वो गिवर है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। ये हम लोग का पर्सनल अकाउंट शो करता है। पर्सनल अकाउंट में डिफरेंट टाइप का नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन में बार बार बोले हैं इंडिविजुअल्स भी आ सकता है, कंपनी, फॉर्म, संस्था, सोसाइटी, इंस्टीट्यूट, कुछ भी आ सकता है। हम लोग का ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हुआ। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा आ जाए कि रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या शो करता है। रियल अकाउंट डिनोट करता है एसेट्स को, वो एसेट्स से डिनोटेड होता है, वो एसेट्स को डिनोट करता है, वो एसेट्स को डिनोट करता है। तो रियल अकाउंट जो है, जैसे मान लो रियल अकाउंट, हम कल ही बता, पिछले क्लास में तुम लोग को ये डिस्कस किया जा चुका है कि प्रॉपर्टी ऑफ, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी का नाम हो, प्रॉपर्टी का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे किसी के पास कैश है तो वो भी प्रॉपर्टी है, कैश है तो प्रॉपर्टी है, डेटर्स है तो प्रॉपर्टी है, लैंड है तो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है तो प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ जो है, फर्नीचर है तो प्रॉपर्टी है, फर्नीचर, तो इस टाइप से फर्नीचर ETC कर दे रहे हैं, बहुत सारा है, हम नाम कुछ बताए थे तुम लोगों को, अब इस पे हम लोग ये करेंगे। तो रियल अकाउंट क्या शो करता है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आए, जैसे कोई संपत्ति खरीदे, लैंड खरीदे, तो लैंड आया मेरे पास तो उसको डेबिट कर देना है। अगर कोई मान लो फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर तुम्हारे पास से जा रहा है, उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आए, अगर रियल अकाउंट से संबंधित है तो वो तुमको डेबिट कर देना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो तुम्हारे पास से चला जाए, कोई भी ऐसा संपत्ति जो तुम्हारे पास से निकल जाए, तुम्हारे पास से हट जाए, चला जाए, उस संपत्ति को
हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब आप थोड़ा नॉमिनल अकाउंट पे जल्दी से कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है और नॉमिनल अकाउंट्स पे हम लोग क्या दिखाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में बोले हैं सारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड या लॉस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड हम लोग शामिल करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट जो है हम लोग का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बोला गया कि जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्च हो, जैसे किसी को सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं या किसी तरह का लॉसेस है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और अगर कोई इनकम्स होता है, किसी तरह का फ़ायदा हो या गेंस होता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हम लोग इस तरीके से गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम लोग डेबिट और क्रेडिट जानने के बाद डेबिट और क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशंस लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का, उसको हम लोग, उसकी हम लोग जानकारी हासिल किए।